हेलो दोस्तों, फाइन रीटेक में आपका स्वागत है। आज हम एक और नए टेक वीडियो के साथ मिल रहे हैं। दोस्तों, आज हम अपने टेक वीडियो में देखेंगे कि ईमेल कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं। दोस्तों, ईमेल कैंपेन से हम अपनी कंपनी का जो भी प्रमोशन करना है उससे हम कर सकते हैं। उसके लिए मैं आज ब्रेवो टूल का यूज कर रहा हूँ। तो ब्रेवो टूल में ईमेल आईडी कैंपेन कैसे रन करना है उसका हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अपने ब्रेवो अकाउंट का मैंने लॉगिन कर लिया है। फर्स्ट स्टेप इसका ये होता है कॉन्टैक्ट। हमारे पास जितने भी ईमेल आईडी हैं उन ईमेल आईडी को हम यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाए। दोस्तों, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमारे पास ईमेल आईडी होना चाहिए। ये मेरा फ्री वर्जन है इसलिए इसमें सिर्फ 300 ईमेल ही हम भेज सकते हैं एक बार में। अगर हमारा पेड वर्जन होता तो उसमें हम 10,000, 20,000, 50,000 तक भी ईमेल भेज सकते हैं, इससे ऊपर भी भेज सकते हैं, क्योंकि वो पेड वर्जन होता है। हम अपने प्लान के अकॉर्डिंग हम पे प्लान। तो दोस्तों, फिलहाल ये हमारा प्री वर्जन है तो हम इस पर हम कैंपेन रन करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैंपेन हम रन कर सकते हैं ब्रेवो टूल पे। तो कॉन्टैक्ट पे चलेंगे हम। कॉन्टैक्ट पे हम सबसे पहले अपने डाटाबेस क्रिएट करेंगे। डाटाबेस क्रिएट करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी मैंने मर्ज कर रखा है, इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। मैंने अपना ईमेल आईडी जो मैंने अभी इंपोर्ट कर रखा था उसको डिलीट कर दिया है। अब मैं इंपोर्ट करूँगा और प्रॉपर देखेंगे हम कि कैसे हम डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं, मैनुअल क्रिएट कर सकते हैं और अपना डाटाबेस बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारी ईमेल आईडी डिलीट कर दी। अब हमें जितने भी कॉन्टैक्ट हैं उसको इसमें ऐड करने के लिए क्या करना होगा। पहला ऑप्शन है क्रिएट कॉन्टैक्ट। क्रिएट कॉन्टैक्ट पे हम मैनुअल एक एक ईमेल आईडी को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नाम के साथ। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये है इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट। इम्पोर्ट कॉन्टैक्ट पे हम यहाँ से एक्सेल फाइल से या CSV फाइल से या टेक्स्ट फाइल से हम अपने कॉन्टैक्ट को इम्पोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। हमारे जितने भी एक्सेल शीट में फाइल है उसको कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकते हैं। तो और एक ऑप्शन है इम्पोर्ट फ्रॉम अनदर टूल, कि हमारा डाटाबेस कहीं क्लाउड स्टोरेज पे है तो उसके माध्यम से हम यहाँ से कॉन्टैक्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम एक्सेल फाइल से डाटा इम्पोर्ट करते हैं। उसके लिए हम इम्पोर्ट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करेंगे और ब्राउज क्लिक करेंगे और हमारा डाटाबेस जहाँ पे है उसको हम एक्सेल फाइल पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और हमारी एक्सेल फाइल की सारी डाटा यहाँ पे शो कर दिया। अब हमारा डाटा सारा आ गया है। अब उसको हम कन्फर्म योर फाइल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ईमेल यहाँ पे हमें क्लिक रहना चाहिए क्योंकि मैं ईमेल कैंपेन क्रिएट कर रहा हूँ। उसके बाद कन्फर्म मैपिंग पे क्लिक करेंगे, हम आईडी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कन्फर्म योर लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम आई कन्फर्म पे चेक मार्क करेंगे और कन्फर्म योर इम्पोर्ट पर क्लिक करेंगे। कन्फर्म योर इम्पोर्ट पर क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा डाटाबेस यहाँ पे ऐड हो गया है। मेरे जितनी ईमेल आईडी थे यहाँ पे शो कर रहे हैं। दोस्तों, ये फ्री वर्जन है तो हम इसमें मैक्सिमम 300 ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं और मेल एक बार में 300 ईमेल आईडी पर हम कैंपेन रन कर सकते हैं। फिलहाल मेरा कॉन्टैक्ट ऐड हो गया है तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए हम कैंपेन पर क्लिक करेंगे। कैंपेन पर क्लिक कर लिया और हमें ईमेल कैंपेन रन करना है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट ए कैंपेन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 2-3 कैंपेन रन भी कर रखा है। इसी तरह एक और कैंपेन रन करूँगा, क्रिएट करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि हम ब्रेवो पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं ईमेल आईडी कैंपेन। तो क्रिएट ए कैंपेन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटेड, यहाँ पर बहुत सारे ये थीम दिया हुआ है ब्रेवो ने। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का हम डिज़ाइन कैंपेन कर सकते हैं। और हमें ईमेल कैंपेन बनाना है तो फिलहाल हम ईमेल पर क्लिक करेंगे और अपने कैंपेन का नाम रखेंगे।
फाइंड रिटेक न्यू, मैंने अपने कैंपेन का नाम रख दिया। इसके बाद क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन आता है सेंडर। सेंडर पे हम सिलेक्ट सेंडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें जिस ईमेल आईडी से मेल सेंड करना है उस ईमेल आईडी को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने ईमेल आईडी ऐड कर रखा, यदि आपको दूसरी ईमेल आईडी ऐड करना है तो हम ऐड ए न्यू सेंडर से ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मुझे चेंज नहीं करना है, उसके बाद करेंगे सेव। यह प्रोसेस हो रहा है सेंडर ईमेल आईडी ऐड करने का, अब ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, रिसिपिएंट्स, ऐड रिसिपिएंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने अभी जो ईमेल आईडी ऐड कर रहे हैं एक्सएमएल फाइल इंपोर्ट करके उनको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन रिसिपिएंट आ रहा है, क्योंकि मैंने एक्सेल फाइल जो इंपोर्ट करा था उसमें तीन ही ईमेल आईडी थी और ये डाटा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। तो हम करेंगे सेव। अब ये भी कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है सब्जेक्ट, ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और अपने कैंपेन का सब्जेक्ट डालेंगे। दोस्तों मैंने अपने सब्जेक्ट डाल दिया है कैंपेन का, वही उठा के मैं प्रीव्यू में पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, सेव पे क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट फाइनल हो गया। अब ऑप्शन आता है डिज़ाइन का, डिज़ाइन के लिए हम स्टार्ट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे इतने सारे लेआउट दिए हुए हैं, सारे थीम और टेम्पलेट दिया हुआ है, हम कोई भी थीम और टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना कैंपेन बढ़िया से बढ़िया टेम्पलेट हम बना के अपने कैंपेन को रन कर सकते हैं। फिलहाल अगर हमें ब्लैंक टेम्पलेट चाहिए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं और अगर हमें डिज़ाइन टेम्पलेट चाहिए तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक ब्लैंक टेम्पलेट ले लेते हैं, यूज टेम्पलेट। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट कॉन्टेंट टाइप, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर मैंने अपलोड कर रखा है अपनी फाइलों को, तो यहाँ से मैं फाइल अपलोड कर दूंगा। इसको सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, ये फाइल हो गया। अब मुझे ये, मैंने एक तो बैनर अपलोड कर दिया है, अगर मुझे कुछ टेक्स्ट भी ऐड करना है इसके अंदर तो टेक्स्ट वाली कॉलम को ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अभी टेक्स्ट वाला कॉलम आ गया, यहाँ पे अगर हमें कुछ भी ऐड करना है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। दोस्तों अगर अपने टेक्स्ट में अगर हमें कोई लिंक ऐड करना है तो यहाँ से हम लिंक भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी एक लिंक हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे भी अगर हमें कुछ और ऐड करना है तो एक और बैनर ड्रैग करेंगे और यहाँ लाके छोड़ देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और लोगो पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट क्लिक करेंगे, ये हमारा बैनर रेडी हो गया कैंपेन का। उसके बाद हम सेव और क्विट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा पूरी तरह से कैंपेन रेडी है, अब हमें सिर्फ इसको सेंड करना है। तो हम सेंड करने के लिए शेड्यूल पर क्लिक करेंगे और शेड्यूल पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे तीन ऑप्शन दिख रहा है, सेंड नाउ, शेड्यूल फॉर लेटर, सेंड फॉर बेस्ट टाइम। सेंड फॉर लेटर में हम डेट टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं जब हमें भेजना हो। सेंड नाउ पे अभी हम क्लिक करेंगे तो अभी ये चला जाएगा, तो सेंड नाउ पे क्लिक करते हैं और सेंड नाउ पे क्लिक किया और ये हमारा कैंपेन रन हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेसिंग दिखा रहा है। अब इसको हम एक बार रिफ्रेश करेंगे और चेक करेंगे अपने कैंपेन स्टेटस का। यहाँ पे अभी शेड्यूल दिखा रहा है, एक बार इसको और रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कैंपेन रनिंग आ रहा है और यहाँ पे दिखा रहा है रिसिपिएंट 3, क्योंकि मैंने कॉन्टैक्ट में तीन ही ईमेल आईडी ऐड करा था। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट ईमेल आईडी पर, जिस ईमेल आईडी को हमने ऐड कर रखा है, और देखते हैं कि हमें कैंपेन
रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि मुझे मेल रिसीव हो गया है, जो मैंने ब्रेवो टूल के थ्रू मैंने अभी मेल कैंपेन रन करा था, यहाँ पर मुझे मेल रिसीव हो गया है। और जैसा मैंने कैंपेन डिजाइन करा था एट एजिट मुझे रिसीव हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हम मेल कैंपेन रन कर सकते हैं ब्रेवो टूल पे और अपने कंपनी के प्रोफाइल को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें शेयर करना, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।